गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में और एक नए दिन की शुरुआत में। तो दिन की शुरुआत आज रोड से हो रही है, तो आप सभी को पता ही होगा महाशिवरात्रि का पर्व है, और तो महाशिवरात्रि की आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज महाशिवरात्रि है फिर, और बाकी हमारा प्लान बन रखा है यहाँ से बुद्धेश्वर मंदिर जाने का, जो कि महादेव का मंदिर है जो कि गाड़ी घाट में पड़ता है। तो बाकी हम भाई लोग अभी सब आ रहे हैं, मैं अभी रोड में हूँ और यहाँ से भाई लोग गाड़ी वाड़ी ला रहे हैं आगे, थोड़ा पेट्रोल भर रहे हैं अपनी गाड़ियों में। तो बाकी ये देखिए अभी जो लोकेशन है ना, ये वाली लोकेशन है फर्स्ट क्लास वाली अपनी रोड में, जो कि हम इवनिंग के टाइम में आते हैं। बाकी अभी गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था हो रही है, मैं तो एकदम रेडी वेडी होके हो गया हूँ, और बाकी भाई लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ज़्यादा बंदे नहीं आ रहे, हम 6-7 बंदे जा रहे हैं, और कल वाला ब्लॉग डाल दिया है कल 8 बजे शाम को, तो प्लीज़ उसे भी प्यार एंड सपोर्ट दिखाना, और बाकी जितना भी हो सकेगा मैं आप सभी को दिखाऊंगा ब्लॉग के माध्यम से। तो ऐसा ही है फिर कुछ, और बाकी अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी 11 बजे हैं, तो चलते हैं आगे को और जाएंगे हम अभी इस वाले रास्ते से, ना कि अल्मोड़े वाले रास्ते से। ये रोड जो ये वाली रोड जाती है सीधे अल्मोड़ों को जाती है, ये भी जाती है बट ये शॉर्टकट है ना वहाँ गुदेश्वर जाने के लिए, तो ये तो ऐसा है कुछ। बाकी जो भी होगा आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहूँगा मैं, और प्लीज़ प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ अपना। तो चलो ठीक है, आज का ट्रैवल हमारा सीधे यहाँ से गुदेश्वर धाम मंदिर तक होगा। बाकी भाई लोग भी आ चुके हैं, ये दो जने ही आ गए हैं, और गाड़ी का व्यवस्था भी हो ही गया फिर, अब चले फिर अब। तो दोस्तों फर्स्ट ब्रेक हमने यहाँ ले रखा है अपने खूबसूरत पहाड़ों से, और बाकी दो गाड़ियाँ हमारी आ गई है, और दो और आ रही ना, एक और आ रही है, वो किसी को रुके थे ना। बाकी भाई लोग सब आ गए हैं, ये है अपने भाई लोग। बाकी हमें यहाँ से जाना है ना नीचे, ऐसे नहीं आना है चौंसली वाले रास्ते से, सीधे सीधे ऊपर बेड़गू वाले रास्ते से जाना है, जहाँ से एक बार बारात भी गए थे हमारा, तो उसी रास्ते से जाना है हमको नीचे नीचे होते हुए सीधे गुदेश्वर धाम मंदिर। तो बाकी आप सभी लोगों को ब्लॉग पूरा देखने को मिलेगा, बाकी मैं थोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो ऐसा थोड़ा ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, बाकी आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो बाकी ये भाई भी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। तो बाकी पहुंच गए हैं फिर बढ़िया करके, और ये पीछे भी आ गए हैं। सामने देखिए वो नीचे देखिए महादेव, तो इतनी सारी भीड़ लगी है। देखिए अभी हमने यहाँ से जाना है बिल्कुल, ये यहाँ से वो नीचे, इतनी गाड़ी लगी है यहाँ, तो चलते हैं यहाँ से सीधे, बाकी भाई लोग यहाँ बैठे हैं। फाइनली यहाँ पहुँच गए फिर गुदेश्वर धाम मंदिर में, और बाकी मंदिर जो है ना वो नीचे है सामने देखिए, और बाकी भाई लोग वो आगे चले गए, मैं भी चलता हूँ। सामने आ गए थे
बाकी चल फाइनली गोदेश्वर मंदिर में। बाकी यहाँ तो बहुत भीड़ हो रखी है यार, जाते ही वो फ्री चाय पानी। जितने ही नीचे हम जा रहे हैं उतने ऊपर हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। वो मेरे से बजी नहीं। तो बहुत ही सुंदरता से गोदेश्वर धाम मंदिर में बहुत ही भक्तों की भीड़ लगी है, और वो ऊपर तक अभी भी ऊपर नीचे जाने में है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो सामने देखिए मंदिर है, बिल्कुल बहुत भीड़ लग रही है यहाँ। तो बाकी तो सब ठीक ही है, और अभी हम नहाते हैं फिर आगे चल के। भाई लोग यहाँ खड़े हैं अपने तन में करके, और सामने देखिए सब ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। बाकी पानी देखिए, पानी तो बहुत ठंडा हो ही रहा बिल्कुल, तो हवा भी बहुत अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है। ये है महादेव का मंदिर, सामने दर्शन हो रहे और भीड़ देखिए। ओ भाई अभी निकल रहे हैं। तो काफी भक्तजनों की यहाँ भीड़ लगी है, तो अभी सब लाइन पे लगे हैं दर्शन करने के लिए। तो जितनी भीड़ बनती जा रही है उससे ज़्यादा फिर भीड़ आती जा रही है ऊपर से। तो देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी है। तो ये जो मंदिर बसा है नदी के पास ही, ये मंदिर और सब भक्तजन भी पूजा कर रहे थे। फिर हम भी लगते हैं लाइन में और दर्शन करते हैं महादेव के। बाकी देखते रहो आप ब्लॉग, और हम इस भीड़ का सामना करेंगे थोड़ी देर बाद। तो लाइन में लगते हैं हम भी, तो चलो बनी रही है इस ब्लॉग में, ठीक है। यहाँ बहुत भीड़ लगी है ना, मतलब हम फंस गए बिल्कुल। और बाकी अभी हम चल रहे हैं आगे आगे, देखते हैं मेले में घूमते हैं। बाकी फर्स्ट क्लास से हम आप चाउमीन लेनी है, 8 प्लेट लगा दो फर्स्ट क्लास से। तो बाकी भूख लगी है, फिर अब नीचे जितना घूमना था घूम लिया, बाकी अब थोड़ा बहुत खाते हैं फर्स्ट क्लास से हाँ चाउमीन। बाकी इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में है ये गोदेश्वर धाम मंदिर। क्या हड़कू पानर अगले अगले, ठीक है चलो खाते हैं यार।